नमस्कार दोस्तों, मार्केट टिप्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है ओप्पो A3X 5G मोबाइल। तो दोस्तों, आज हम टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं, सेटिंग बताने वाले हैं, 3-4 सेटिंग। तो दोस्तों, वीडियो बने रहिए, इतना भी सेटिंग है आपके लिए जरूरी। आज का यही सेटिंग है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग पर, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे टच करें। यहीं पर आपको देखे हाइट नोटिफिकेशन एंड डिटेल्स लॉक स्क्रीन, इस बटन को इनेबल कर देंगे तो क्या होगा, जो भी आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन OTP वगैरह आएगा वो शो नहीं करेगा। फिर आपका मोबाइल का लॉक खुलेगा तभी आपका OTP दिखेगा। जो नीचे वाला ऑप्शन है आप देख सकते हैं, वेग स्क्रीन वाला, दोस्तों अगर इसको अगर ऑन करके रखते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन आता है स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। तो दोस्तों, ये सब जरूरी सेटिंग आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप देखने को मिलेगा मोर सेटिंग। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, मोर सेटिंग पे आपको टच करना है। जैसे मोर सेटिंग पे टच करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले डाटा यूजेस, इस बटन को इनेबल जैसे कर देते हैं तो उसके बाद आप जैसे ही स्क्रॉल करके ऊपर से देखेंगे तो आप कितना MB यूज किए हैं आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए कितना MB आज यूज हुआ है बताएगा। यहीं पर आपको दिखेगा स्वाइप डाउन लॉक स्क्रीन, और इस बटन को इनेबल कर देते हैं तो आप क्या कर दे, ऊपर से स्वाइप करके नहीं देख सकते, इसको भी ऑफ करके रखें। यहीं पर आपको दिखेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, आप देख सकते हैं। जैसे आप इस पर टच करेंगे तो दोस्तों इस बटन को इनेबल कर लीजिए। जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, अगर वो मैसेज कोई डिलीट कर देता है तो यहाँ पर आपको वो मैसेज 24 घंटे के अंदर जितना भी मैसेज रहेगा वो दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, फिर से आपको सेटिंग में आ जाना है, सेटिंग में आना, ऐप्स पे आना। ऐप्स पे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ऐप क्लोनर, तो आपको एग्री कर लेना है। जैसे एक एप्लीकेशन को यहाँ से ऑन करेंगे तो दो एप्लीकेशन बन जाएगा। तो फिर से आ जाना है बैक करके सेटिंग पे। जैसे आप सेटिंग में आएंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे, यहीं पर आपको दिखने में डिवाइस अनलॉक, इसमें आना है। उसके बाद लॉक स्क्रीन पे टच करना है, पर रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, इस बटन को इनेबल कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। तो जब भी आप मोबाइल को स्विच ऑफ करने जाएंगे, मोबाइल क्या है स्विच ऑफ होने से पहले आपको लॉक डालना पड़ेगा, जो भी आपके मोबाइल में लॉक पड़ा रहेगा। कोई मोबाइल आपका चुरा लेता है, स्विच ऑफ करना चाहता है तो स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। अगला सेटिंग है, आपको आ जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर आने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है, स्क्रॉल करके नीचे मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी पे टच करना है। पिनिंग पे टच करके इसको बटन को ऑन कर देंगे। इसको ऑन करने से क्या होगा, जब भी आप किसी को मोबाइल देंगे तो जैसे कि मान लीजिए किसी को यूट्यूब देखने के लिए दिए या किसी को कॉल करने के लिए दिए हैं, वो लोग क्या करते हैं कॉल करते करते चले जाते हैं व्हाट्सएप लगते हैं चेक करने। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कोई भी एप्लीकेशन है 3 डॉट पर टच करेंगे, पिन कर देंगे। जैसे आप पिन कर देंगे उसके बाद यहाँ पर वो किसी भी एप्लीकेशन में जा नहीं सकता है। इसका यही रीजन है, मतलब जो ऐप देंगे उसी ऐप में वो रहेगा और उसी ऐप को चलाएगा। अगर इससे आपको बाहर आना है तो आपको क्या करना है, आपको देखिए दोनों बटन को ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं आप कोई भी ऐप में जा सकते हैं। जब भी आप बाहर आएंगे तो जैसे अगर हमने लॉक नहीं सेट किया, अगर लॉक सेट करके रखेंगे तुरंत आपका मोबाइल का लॉक मांगेगा।